नमस्कार, रुआ लोग आज तक देख रहल बानी रुआ सभी के पसंदीदा भोजपुरी बुलेटिन एकदम चकाचक और तरोताजा अंदाज में हम लेके आयल बानी। राजनीति, क्रिकेट, चाहे कौनो अपराध और फिल्मी दुनिया के खबर हो, एकदम बढ़िया बढ़िया खबर बिना कौने मिर्च मसाला लगाए ले हम रुआ खातिर लेकर आयल बानी। ई खबर रुआ खाती है तो यही लगी खबर किसन लागल, ई सब बतावल जाए, तुरंत कमेंट करी। पश्चिम बंगाल में ईगो बड़का ट्रेन दुर्घटना हो गई बा। यहाँ खड़ा एक्सप्रेस ट्रेन के पीछे से ईगो मालगाड़ी टक्कर मार देले बिया। घटना के बाद ट्रेन के पीछे के 3 बोगी के बहुत नुकसान पहुँचल बा। ए हादसा में बहुते यात्रियन के मौत के पुष्टि हो चुकल बा। जौने ट्रेन के दुर्घटना भइल बा ओकर नाम कंचनजंगा एक्सप्रेस बा और वो ट्रेन न्यू जलपाईगुड़ी से निकलल रहे, अबूरी किशनगंज होते सियालदह जात रहे, तबे ओकर रंगपानी अबूरी निजबारी के बीच दुर्घटना भइल। असल में निजबारी के आगे ट्रेन खड़ा रहे, पीछे से आवत मालगाड़ी तेज रफ्तार से ट्रेन से टकरा गई। दुर्घटना इतना भयंकर रहे कि एगो बोगी दोसर बोगी के ऊपर से चढ़ गई, अबूरी बहुत नुकसान पहुंचल, बोगी के गैस कटर से काट के अलग कईल गई। एगो प्रत्यक्षदर्शी यात्री बतवले कि वो ट्रेन के भीतर बैठल रहले कि पीछे से जोरदार झटका लागल, जिस सही ओह लोग के कुछ बुझाइल तो सवारी लोग इधर उधर दौड़े लागल, हर जगह जोरदार चिल्लाहट आ हल्ला सुनाई पड़ल। उहो ट्रेन से उतर के पीछे भाग गई ले। रेल मंत्रालय के बयान भी सामने आयल बा। मंत्रालय की ओर से बतावल गईल कि कंटेनर ट्रेन सिग्नल से आगे बढ़ के कंचनजंगा ट्रेन के पीछे वाला हिस्सा से टकरा गईल। NDRF, SDRF और डिविजनल टीम के साथे 15 एम्बुलेंस भेजलस गईल। ट्रेन दुर्घटना कैसे भइल एकर जांच करे के आदेश दिहल गईल बा। मौका पर पहुंचल अधिकारी लोको पायलट से पूछताछ भी शुरू कर देले बाड़े। एही बीच कांग्रेस ए दुर्घटना के लेके रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के इस्तीफा के मांग कैलस। केरल कांग्रेस के ओर से कहल गईल कि जब नीतीश कुमार रेल मंत्री रहले तो ऊ हादसे होवे पे इस्तीफा के पेशकश कर ले रहे और अब अश्विनी वैष्णव के भी इस्तीफा देवे के चाही। दुर्घटना के संबंध में राष्ट्रीय जनता दल के नेता भाई वीरेंद्र भी रेल मंत्री से इस्तीफा देवे के कहले। ऊ कहले कि पहले कांग्रेस अबूरी UPA सरकार में जब दुर्घटना होखत रहे तब मंत्री इस्तीफा देत रहले, अब ऐसन बड़ दुर्घटना होखला कवनो मंत्री इस्तीफा ना देवेले। एक बेर फेरू बिहार में एगो बयान के बाद राजनीति शुरू हो गई बा। जदयू सांसद देवेश चंद्र ठाकुर यादव अबूरी मुसलमान के लेके बड़ बयान देले बाड़े। सीतामढ़ी से नवनिर्वाचित सांसद देवेश चंद्र ठाकुर के दर्द अचानक सोझा आ गई बा। देवेश चंद्र ठाकुर यादव आ मुसलमान से वोट न मिलला से खिसियाए लुकत बाड़न आ ऐसना हालात में ऊ एगो बढ़न बयान दे दिहले बाड़न। देवेश चंद्र ठाकुर कहले बाड़े कि अब ऊ यादव अबूरी मुसलमान खाती कुछ काम करी है। दरअसल कम वोट से जीत दर्ज करावे के अफसोस देवेश चंद्र ठाकुर के चेहरा दिखाई देता। जदयू सांसद देवेश चंद्र ठाकुर कहले कि ऊ पछिला 22 साल से राजनीति में सक्रिय बाड़े, एह दौरान वो अधिकांश काम यादव अबूरी मुसलमान खाती कईले, लेकिन अब वो यादव अबूरी मुसलमान खाती काम ना करी है। वो कहले कि अगर केहू एह जाति के बा आ अपना जगह काम करावे आवेला तो ओकरा चाय नाश्ता करहिए पी के वापस चल जाई, लेकिन उनकरा काम ना करही है। अब देवेश चंद्र यादव के ए बयान पर राजनीतिक बयानबाजी के दौर शुरू हो गई बा। जहानाबाद से राजद सांसद सुरेंद्र यादव कहले कि ई सिर्फ उनुकर मॉडल नहीं थे, बालुक बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के भी मॉडल। वो कहले कि अब जदयू भाजपा के असली चेहरा सबके सोझा दिखाई देवे लागल बा, उनुकर संबंध केहू से नहीं थे। इहो आरोप लगावल गईल कि ई लोग समाज में नफरत फैलावे आ राज्य में अराजकता आग्रह युद्ध ले आवे के कोशिश में लागल बा। केंद्र में तीसरी बेर मोदी सरकार बनला के बाद मंत्रालय के विभाग में भी बंटवारा भइल बा। अब की बेर सबकर नजर बिहार पर रहे। केंद्र सरकार में बिहार के 8 सांसद के जगह दिहल गईल बा। विपक्षी दल खास तौर पे तेजस्वी यादव के आरोप बा कि बिहार राजा बनावे वाला साबित भइल तबो बिहार के सांसद के ऊपरी हाथ दिहल गईल। ऐसन स्थिति में बिहार के विकास कैसे हुई, अब एह मामला पर बिहार के केंद्रीय मंत्रियन के प्रतिक्रिया भी आवे लागल। एही में जीतन राम मांझी के बयान सामने आयल बा। जीतन राम मांझी खुला मंच पर ई बात सबके बतावत कहले कि कैसे लिफाफा खोलते माथा पकड़ ले ले।
हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के नेता आ सांसद जीतन राम मांझी एमएसएमई विभाग मिलला का बाद माथा पकड़ ले रहले। मांझी के पार्टी के बिहार में सिर्फ एक सीट मिलल बा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार में उनुका के मंत्री बनावल गईल बा। एनडीए गठबंधन सरकार में मंत्री बनला के बाद मांझी अपना विभाग से खुश ना रहले, लेकिन बाद में पीएम मोदी उनुका के समझा देले। गया के मोहनपुर में हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के कार्यकर्ता जीतन राम मांझी के अभिनंदन समारोह के आयोजन कैले रहले। एमएसएमई के मंत्री जीतन राम मांझी अभिनंदन समारोह में मंच से कहले कि जब हमनी के मंत्रालय के लिफाफा खोलनी तो देखनी कि ई एमएसएमई मंत्रालय हाँ। ई देख के हमनी के सोचे लगनी कि हमनी के कवन विभाग मिलल बा। सभी पीएम से मुलाकात करत रहले, हमनी के एकजुट होके कहत रहनी जा कि वो पूछत रहले कि उनुका कवन विभाग मिलल बा। तब पीएम कहले कि मांझी जी, हम आपके कल्पना के विभाग दे देले बानी, हमरा वो सपना पूरा करे के बा। बता दी कि जीतन राम मांझी के केंद्रीय सूक्ष्म लघु आ उद्योग विभाग मिल गईल बा। एह मंत्रालय में सूक्ष्म आ लघु उद्योग के विकास होला। पीएम मोदी एकरा के आपन सपना विभाग बतवले बाड़न। बस कल्पना करी, रूरा खाना खात बानी आ अचानक रूरा ओहमे ईगो कीड़ा रेंगत लुकत बा। बस एह बारे में सोचला से केहू के बुरा लागी। बिहार के बांका में भी कुछ ऐसने भेल बा। बिहार के बांका में स्थित इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र अपना खाना में ईगो मरल सांप के बच्चा मिले के दावा कैले। जिसे ही ईगो विद्यार्थी के अपना खाना में मरल सांप मिलल त ऊ बाकी विद्यार्थियन के जानकारी दिहलसी। एकरा बाद छात्र लोग हंगामा मच गईल, लेकिन तब तक कुछ छात्र खा चुकल रहले। कुछ समय बाद उनकर स्वास्थ्य बिगड़ गईल, तुरंत उनुका के इलाज खाती अस्पताल पहुंचावल गईल। फिलहाल मामला के जांच कईल जाता। आरोप बा कि एकरा से पहले भी कैंटीन में खाना के गुणवत्ता के लेके कॉलेज प्रशासन से शिकायत कईल गईल रहे, बाकी रहे पर कबो कवनो ध्यान ना दिहल गईल। गुरुवार के रात जब छात्र के रात के खाना परोसल गईल त खाना में जहरीला सांप मिलल। जब तक खाना में सांप के पता चलल तब तक कुछ छात्र रात के खाना खत्म कर चुकल रहले। खाना खैला के बाद ओह विद्यार्थियन के स्वास्थ्य खराब होके लागल। तुरंत 15 छात्र के बांका के सदर अस्पताल ले आवल गईल। इलाज के बाद सब छात्र के वापस कॉलेज भेज दिहल गईल। मामला के गंभीरता देख के बांका सदर SDM अवुरी SDPO मौका पर पहुंच गईले। कुछ समय बाद बांका जिला मजिस्ट्रेट अंशुल कुमार भी कॉलेज पहुंच के खुद मामला के जांच कईले। बांका के SDO अविनाश कुमार बतवले कि खाना में मिलल कीड़ा जहरीला सांप के बच्चा होखे के अभी तक पुष्टि नहीं खे भईल, अभी उनकर जांच जारी बा। खाद्य पदार्थ के नमूना जांच खाती भेजल गईल बा, लेकिन खाना में क्वालिटी ना होखला के चलते मेस मालिक पर जुर्माना लगावल गईल बा। लइकन के मनावे के बाद फेर से खाना बनावल गईल। एकरा बाद प्रिंसिपल आ छात्र लोग एक संगे रात के खाना खैले। फिलहाल ए मामला के जांच चलता। उत्तर भारत में गर्मी के लहर जारी बा, तापमान रोज रिकॉर्ड तोड़ रहल बा। उत्तर भारत आ दिल्ली के कई इलाका में तापमान 50 डिग्री के करीब पहुंच गईल बा। यूपी में गर्मी के चलते 33 लोग के मौत हो गईल बा। डॉक्टर सवेरे 10 बजे से सांझ 4 बजे के बीच घर से बाहर ना निकले के सलाह दे रहल बाड़े। बाकी पेट में आग बुझावे खातिर देश के एगो बढ़न आबादी एह तपत गर्मी में घर से बाहर निकले पर मजबूर हो गईल बा। सबसे बेबस देश के राजधानी बा जवना के ए समय दोगुना झटका के सामना करे के पड़ता। जब से जून शुरू भईल बा उत्तर भारत में दोपहरिया के समय बा। सवेरे से आसमान से गर्मियां आग बरखा हो रहल बा। सूरज लगातार धधकत बा। पहले तो बस रिकॉर्ड तोड़े के बात रहे, बाकी अब ई दाम पर लागल बा। देश के सबसे बड़ राज्य उत्तर प्रदेश एकर सबसे बड़ शिकार बा, जहां गर्मी के चलते 33 से ज्यादा लोग के जान चल गईल बा। बिहार के मौसमी इतिहास के 128 साल के सबसे खराब गर्मी के सामना करे के पड़ता। पटना में गर्मी के लहर के तबाही ऐसन बा कि लोग अपना घर में बंद होके मजबूर हो गईल बाड़े। सवेरे 10 बजे जी सही सड़क पर अनकहल कर्फ्यू लाग जाला। बिहार में गर्मी से सब परेशान बा। गर्मी के लहर से सैकड़ों लोग के मौत हो चुकल बा। अब लोग मानसून के इंतजार करत बाड़े ताकि बरखा के चलते गर्मी से राहत मिल सके। IMD राज्य के मौसम के लेखे पूर्वानुमान जारी कईले बिया। मौसम विभाग के मुताबिक अगला 72 घंटा तक गर्मी से कवनो राहत के संभावना नहीं खे।
IMD पटना के आधिकारिक बुलेटिन के मुताबिक अगला 72 घंटा तक बिहार में मानसून के लेके कवनो अपडेट नहीं खे। मौसम विभाग बिहार में अगला 72 घंटा तक गर्मी के लहर के लेके अलर्ट जारी कैले बा। राज्य के दक्षिण पश्चिमी इलाका खातिर रेड अलर्ट, दक्षिण मध्य आ दक्षिण पूर्वी इलाका खातिर ऑरेंज अलर्ट जारी कील गईल बा। राज्य के पूरबी भाग में हल्का बरखा आ पश्चिम भाग में भयंकर गर्मी के लहर के संभावना बा। राज्य के बक्सर, भोजपुर, रोहतास, पटना, नालंदा, जमुई, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय आदि जिला में गर्मी के लहर के संभावना बा। शनिचर का तरह अतवार का दिने भी बक्सर के राज्य के सबसे गर्म जिला दर्ज कील गईल। यहाँ के तापमान 46.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज भइल बा। सोमवार का दिने मौसम विभाग कोसी सीमावर्ती इलाकन में हल्का बरखा के अनुमान लगवले बा। त लोग के भोजपुरी भाषा में आज तक के ई बुलेटिन कैसन लागल जरूर बताई, काहे कि हमनी खबर रुआ खातिर लेके आयल बानी जा। आ रुआ लोग के दिहल सुझाव हमनी खातिर बहुत जरूरी बा, आपन खूब ध्यान रखल जाए। कल फिर रुआ खाती खबर लेके आयल जाए भोजपुरी भाषा में।